ये ईरान की बारूदी नुमाइश है। इसराइल के खिलाफ यह ऐसा शक्ति प्रदर्शन है जिसे ईरान ने पहली बार अंजाम दिया है। ये वीडियो ईरान की स्टेट टीवी के हवाले से जारी किया गया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे हाइपरसोनिक मिसाइलों की बौछार इसराइल के ऊपर की जा रही है। एक के बाद एक कई मिसाइलें आसमान की ओर कूच कर रही और टारगेट को ध्वस्त कर रही है। इसराइल पर हुआ ईरान का यह हमला कई मायनों में अलग बताया जा रहा है। इसी साल अप्रैल में ईरान ने इसराइल पर मिसाइल हमला किया था। तब ईरान की तरफ से 110 बैलिस्टिक और 30 क्रूज मिसाइलें दागी गई थी, लेकिन इस बार ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है और करीब 200 मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी गई हैं। ईरान इस हमले को 90% तक कामयाब बता रहा है। इस कामयाबी का ईरान के समर्थक देश जश्न भी मना रहे हैं। लेकिन इसराइल और उसके सहयोगी देशों ने दावा किया है कि इसराइल के डिफेंस मैकेनिज्म ने इस बार भी दुश्मन के हमलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने से रोक दिया है। ईरान के ज्यादातर मिसाइल हमलों को नाकाम कर दिया गया है और उन हमलों को आसमान में ही तबाह कर दिया गया है। और ये कमाल किया है इसराइल के उस डिफेंस सिस्टम ने जिन्हें जुड़वा भाई कहा जाता है। इसराइल के डिफेंस सिस्टम को आयरन डोम और डेविड्स स्लिंग कहा जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि आयरन डोम क्या है। आयरन डोम एक एयर डिफेंस सिस्टम है। ये कम दूरी की मिसाइलें, रॉकेट और ड्रोन को रोकने के लिए बनाया गया है। इसमें इंटरसेप्टर लगे होते हैं जो ये पता लगाते हैं कि कोई मिसाइल या रॉकेट किस इलाके में गिरने वाला है। ये हवा में ही दुश्मन की पहचान करता है और उसे तबाह कर देता है। ये किसी भी मौसम में एक्टिव रह सकता है। खास बात ये कि इसकी सफलता की दर 90% है। कुछ इसी तरह का काम डेविड स्लिंग नाम का डिफेंस सिस्टम भी करता है।